अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ सहीश उमर और यह है मेरा व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आज मॉर्निंग से नाइट की रूटीन, नाइट नहीं इवनिंग की रूटीन जो है शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आएंगी, आप लोग उन्हें फुल वॉच करेंगे, लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो जी आज मंडे है और मंडे वाले दिन मेरे बच्चों की हो गई है स्कूल से छुट्टी, बिकॉज के थोड़ा सा बिज़ी थे कल के दिन में और रात लेट नाइट सोने की वजह से हम लोग को सुबह आँख ही नहीं खुली। तो कोई नहीं, हो जाता है। और यहाँ पे नाश्ता चल रहा है अभी, आज यहाँ को हुआ हुआ बुखार थोड़ा सा, और बुखार की वजह से यहाँ थोड़ा लेज़ी है और इशाल को खिला भी नहीं पा रहा, लेकिन इशाल का फुल मूड उस टाइम खेलने का हुआ हुआ है इससे। तो जी बस इसी तरह से घरों की रूटीन बच्चों के साथ चलती रहती है। यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी और हमारी जो मेड है वो आ चुकी है, नाश्ते के बाद सफाइयाँ चल रही हैं और यहाँ पे वो सफाइयाँ कर रही थी। मैं बर्तनों का खिलारा वगैरह समेट रही थी, कोशिश कर तो रही थी कि इशाल तंग ना करे और बर्तन जल्दी धुल जाएँ, लेकिन इशाल जो है वो फिर साथ साथ फेर रही होती है और वो उसको गोद में उठा के ना कोई काम नहीं होता। तो जी आप लोग बताएं सब कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग, जो भी है अगर बुरे लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं इम्प्रूव करूं और मैं कोशिश कर भी रही हूं अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने की। और जी ये देखें मेरे हस्बैंड लेके आए थे इमली, असल में बच्चों को लेके गए थे कहीं पे खाना वगैरह छोटी मोटी चीज़ें लेके देने के लिए, तो वहाँ पे इमली पड़ी थी। तो आयशा ने कहा बाबा मम्मा के लिए ले लें, तो वो उमर मेरे लिए ले आए थे और मैंने फिर ये टेस्ट किए, बहुत मज़े की थी। और वाकई में हम अपने बचपन में बहुत खाते होते थे, हमें पसंद होती थी। तो अब जो है बड़े हो गए हैं तो फिर उस हिसाब से चीज़ें खा पी लेते होते हैं, तो भैया हमें तो अच्छी लगती है, मैं तो बहुत खाती होती हूँ और मेरे हस्बैंड लेके आते। तो जी यहाँ पे हो गया भूख का टाइम, मेरे बच्चों को लग गई है भूख हल्की हल्की सी, और वो आयशा कह रही थी मम्मा हमें बना दें आप पराठा रोल और सीख कबाब। तो मैं बस कल मैंने परसों ना एयर फ्रायर सेट कर लिया था, वो निकाल लिया था मैंने बाहर किचन में रख लिया था, और उस वजह से मैंने फिर कहा चलो मैं एयर फ्रायर में ही बनाती हूँ। और यही आपको हुआ बुखार, यही अब लेज़ी हो के बस सो रहा है लेटा हुआ है, और इशाल जो है वो भी सो रही है, और मैं यहाँ पे बच्चों का खाना बना रही हूँ ऊपर के किचन में, ताकि मैं फिर नीचे जाऊँगी तो नीचे वाला काम होगा, मेन कुकिंग तो नीचे ही होती है ना, वो मैं नीचे कर लूँगी। और बस ऐसे ही मैं सुबह से शाम गुजर जाता है। और जी मैंने कुछ बच्चों के लिए डॉन पराठा, बर्गर बन सारा कुछ ला के रखा होता है, जिस टाइम बच्चों को जो भूख लग रही होती है ना मैं उन्हें वो बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर ऐसे अगर उन्हें फोर्स करके सिर्फ रोटी खिलाओ तो वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाते, इवन जो उनसे वो बाकी चीज़ें खा रहे होते हैं ना वो भी छोड़ जाते हैं। तो मैं फिर ये कोशिश करती हूँ एक टाइम अगर अपनी मर्ज़ी करवानी है ना तो बाकी टाइम में बच्चों को ज़रूर माना है। तो ये देखें जी बाहर का मौसम कितना आज खूबसूरत हुआ हुआ है, और ऐसे लग रहा था कि बस बारिश आ रही है लेकिन बारिश नहीं आई है। और ये मेरे घर के बाहर का व्यू है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और मैं इस टाइम ऊपर के किचन में बस काम कर रही थी और बच्चों का खाना शाना बन रहा था। ये डॉन पराठा के अंदर केचप और सीख कबाब रख के बहुत अच्छी तरह से रोल वगैरह करके, तो बच्चे बड़े अच्छे शौक से खाते हैं। ये लंच में भी अक्सर आयशा यही ले जाते होते हैं, लेकिन आजकल मैंने थोड़े से ना ये फ्रोज़न आइटम्स उनके लिए कम की हुई है कि स्कूल नहीं मैं दे रही, लेकिन फिर भी जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो ना जो बच्चों को खाना होता है वो खा ही लेते हैं, मुश्किल हो या जो भी वो अपनी उनकी मर्ज़ी होती है जी। और आप लोग मेरे व्लॉग्स बिल्कुल नहीं देख रहे, मेरा पता नहीं क्या इशू हुआ है और मेरे चैनल पे कोई प्रॉब्लम आई है, वट एवर इट इज़ मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन मैं बहुत डिसहार्ट हुई क्योंकि मेरा बहुत अच्छा वॉच टाइम हो रहा था, मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स आ रहे थे, बट ऐसा हुआ है कोई इशू कि ना कोई सब्सक्राइबर है मेरी वीडियो पर, ना मेरे कोई वॉच टाइम है, ना इवन दो व्यूज़ हैं, और जो भी हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। बहरहाल चलो विल सी, जब तक मैं हिम्मत रखती हूँ मैं इंशाल्लाह बनाती रहूँगी व्लॉग्स और कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे डेली व्लॉग्स
और देखिए डेली व्लॉग्स का ये होता है कि आपको जो आप घर पे कर रहे होते हो ना एक रूटीन में हाउसवाइफ्स, वो ही शो करती हैं। वो कुछ स्पेशल क्या शो कर सकती हैं कि आप कोई कहे जी व्लॉग, यही काम होते हैं घरों में, मेरे तो हिसाब से यही काम होता है, मैं तो फिर वही कर रही होती हूँ। और आज आयशा ने क्या किया, आयशा ने कहा मम्मा जी मुझे दो डोन पराठा बना दें और दो ही सीख कबाब दे दें, क्योंकि याहिया की तबीयत नहीं सही थी, याहिया नहीं खा रहा था। तो उसने कहा जी मम्मा आप याहिया वाला भी जो है ना वो मुझे ही दे दें। और मैंने कहा आयशा तुम तो भाई क्या बन जाओगी, तुम ये खा खा के फ्रोज़न आइटम्स। खैर चलो अब वो खा रही थी, उसे मैं मना क्या करती, मैंने बना दिया। उसने मुझे कहा मुझे दो बना के दें, तो मैंने उसे दो ही बना दिए। और ये मेरी याहिया का फेवरेट है जी मास सफदर व्लॉग्स, आई डोंट नो वाई, क्यों भाई, वो हर टाइम उसे ना ये मास्टर ऑफ द व्लॉग्स ही देखने होते हैं, और वो बहुत बहुत शौक से देखता है और हर टाइम देखा रहता है, बल्कि LCD पे भी लगाता है। और यही, और आज जी तो मैं ऊपर बच्चों को काम शाम खाना शाना खिला के नीचे आ गई थी, और नीचे आई थी तो आंटी ले आई थी सब्ज़ी, सब्ज़ी में आया जी आज आलू पालक और साथ में था अरबी बैंगन। आंटी ने कहा तुम एक बना लो आलू पालक, एक बना लो अरबी बैंगन, और दोनों सब्ज़ियाँ काट देती हूँ मैं, तुम पका लो। तो मैंने कहा नहीं आंटी छोड़ दें, अब मैं खुद ही काट लूँगी, खुद ही पका लूँगी। अब मैंने पालक और फिर उसे काट के बारीक बारीक फिर उसे धो के 5-6 पानी धोना पड़ता है पालक को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो मैंने अच्छी तरह से पालक को धो के बहुत थोड़े पानी में इसे बॉईल कर लिया था, कोई तकरीबन 10 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था हैंड ब्लेंडर से। तो जी अब मैं खाना शाना पका के नीचे उसे ऊपर आ गई थी। आप कहेंगे आज के व्लॉग में तो जी सुबह से शाम खाना 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 ही हो रहा है, तो हाँ जी ऐसा ही था, क्योंकि आज बच्चे मेरे घर पे थे, तो अब बच्चों के हो गया है ट्यूशन का टाइम, और आज उनका कोई रोटी शोटी खाने का दिल नहीं था, तो मैंने उन्हें कहा क्या खाना है, उन्होंने बर्गर्स कहा, तो मैंने फिर चलो मैंने कहा अब मैं बर्गर्स बना देती हूँ शामी कबाब वाले, और उसमें अंडा भी लगा दिया था। आयशा विदाउट एग खाती है, और जो याया साहब हैं वो अंडे वाला खाते हैं बर्गर। और बस अब बच्चे ट्यूशन चले गए हुए हैं, खाना खा के आज उनकी कारियाँ नहीं आई, क्योंकि कारिया बाजी कहती थी कि उनके एरिया में हो रही है बारिश, और वो कहती हैं कि मैं अब रिक्शा पे आऊँगी तो भी मैं गीली तो हो ही जाऊँगी, तो बाजी मैं ना हूँ। तो मैंने कहा आप ना आए भाई, नहीं आ सकती तो ना आए, क्या कर सकते हैं, वो बेचारी पैदल होती हैं। तो जी अंडे भी आज बच्चों ने नहीं खाए हैं, क्योंकि आज बच्चों ने सिर्फ फ्राई एग्स खा लिया, तो आज उन्होंने बॉयल एग नहीं खाया। और ये मैं अंडे जोड़ रही हूँ वॉश करने के बाद, और यहाँ पे जी बस मैं बच्चों को ट्यूशन भेजने के लिए ही काम शाम कर रही थी। और ये देखें जी बहुत ही यम्मी बर्गर्स बने थे, बहुत अच्छे बर्गर्स बने थे, क्योंकि शामी कबाब पे ये तो बर्गर होता ही, इसका पूरा का पूरा शामी कबाब पे डिपेंडेंट है, और जी शामी कबाब बहुत अच्छा बना हुआ था, तो बर्गर्स भी डेफिनेटली अच्छे बने थे। और ये देखें बाहर का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ कि आयशा गई हुई थी बाहर ना नीचे गली में, इसकी फ्रेंड्स आई हुई थी वहाँ पर खेलने, और फिर मैंने आयशा से कहा आयशा जो बर्गर्स बन गए तो आप प्लीज़ ऊपर आ जाओ, ऊपर आके बर्गर्स खाओ, और खा के आपका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। तो बस बच्चों ने थोड़ा बहुत खेलना भी होता है, तो मैं कोशिश तो करती हूँ अवॉइड करती हूँ उन्हें गली में भेजने से, लेकिन फिर भी किसी टाइम बच्चे नहीं सुनते। हाँ जी, और यहाँ पे देखें इशाल मैडम को फुल नींद आ गई, और अब मैंने इसे सुलाना है, और ये इसका TV का टाइम है और फीडर का टाइम है, अब बस अब हमने लाडियाँ करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, नहीं भी अच्छी लगी तो प्लीज़ डिसहार्ट मत किया करें, सपोर्ट कर दिया करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।